सच्चाई के दर्पण में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है। हम सब एक है, हम सब एक है। आवाज दो, एक है। आवाज दो, एक है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। शिवराज तेरी ताना सोई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खबर बालाघाट जिले के लांजी से। पंचायत सचिव व मनरेगा अधिकारियों ने अर्धनग्न होकर किया धरना। पंचायत सचिव व मनरेगा अधिकारियों ने अर्धनग्न होकर दिया धरना। मध्य प्रदेश पंचायत सहायक सचिव और मनरेगा अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा 8वें दिन भी हड़ताल को जारी रखा। गुरुवार को अधिकारियों कर्मचारियों ने सड़क पर कपड़े उतार कर रैली निकाली। अर्धनग्न होकर किए गए इस प्रदर्शन के बाद संविदा कर्मियों ने कहा कि जब तक शासन मांगे नहीं मानेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले 8 दिनों से चल रही दो अलग अलग संगठनों की हड़ताल के 9वें दिन प्रदर्शन उग्र हो गया। वहीं संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भुवन कबीरे ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी 9 सूत्री मांगों को लेकर यह लड़ाई चल रही है, जिस पर जिला प्रशासन और राज्य शासन कोई ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए अब दिन ब दिन आंदोलन उग्र होता जाएगा। जनपद पंचायत परिसर में चल रहे धरना आंदोलन के दौरान सुबह से लेकर शाम तक कर्मचारियों के द्वारा धरना देते हुए संयुक्त मोर्चे के द्वारा की गई मांगों को पूरा करने की मांग की जा रही है। इस दौरान संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों के द्वारा संबोधित करते हुए कहा गया, सरकार और शासन के द्वारा कर्मचारियों के बीच में फूट डालो राज करो की नीति अपना कर कर्मचारी संगठनों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। खबर भारत न्यूज के लिए लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। कल चाली है, अभी एक सप्ताह पूर्ण हो चुका है। आज आप अर्धनग्न अवस्था में, तो क्या मतलब किस तरह से आप प्रदर्शन दिखाना चाहते भाई? हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी से आज का जो हमारा कार्यक्रम है पूरे ब्लॉकों में 52 जिलों में सभी जगह जो ग्रामीण विकास विभाग की जो जो कर्मचारी अधिकारी जो संगठन है संयुक्त मोर्चा है आज पूरे प्रदेश में अर्धनग्न प्रदर्शन करने का हमने निर्णय लिया है सरकार के विरुद्ध में। हम आज हमारा 8वां दिन है अनिश्चितकालीन हड़ताल का। अभी तक जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है हमारी मांगों को नहीं सुनी जा रही है, अनदेखी कर रही है। और भी आने वाले दिनों में हम उग्र आंदोलन करेंगे, जैसे जल सत्याग्रह का भी हमने कार्यक्रम बनाया है। यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम भी किया जाएगा और जो भी हमारे प्रांतीय निर्णय जो होगा उसके आधार पे आगे और भी कार्यक्रम हम करवाएंगे।